By the style, we refer to organization of an article. Writing style includes formatting, referencing, citation, and all other specifications. Described by various different agencies or well-known associations, followed by specific journal guidelines. Pehli baat to agar main kahun ki, if you are using, if you are targeting a journal, rather we will also discuss the targeting journal. सिंपल सी बात है कि जो टाइटल कह रहे भैया वो कर दो, ये जानने की कोशिश मत करो कौन सी राइटिंग स्टाइल बोल रहा है, क्योंकि आजकल राइटिंग स्टाइल होती नहीं, कई जगह कहता है ये राइटिंग, ये मिक्सिंग करके वो अपनी यूनिक स्टाइल बताता है, तो उसको अपना दिमाग मत लगाओ, जैसा जनरल कह रहा है वैसा फॉर्मेटिंग कर दो, ठीक है। मैनुस्क्रिप्ट के रेफरेंस और थीसिस के रेफरेंस में व्हेन वी आर राइटिंग थीसिस, तो जर्नल जो आपके इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन होगी आप वैसे चलेंगे, तो राइटिंग स्टाइल का मतलब वहां भी नहीं हुआ। या कोई भी एक, अगर वो कोई आपको प्रिस्क्राइब नहीं है, तो कोई भी एक राइटिंग स्टाइल चूज करो जो आपको सूट करे, एंड बी कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्मली अडॉप्ट दैट गाइडलाइन अक्रॉस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टाइल्स एंड देयर एसोसिएशन एपीए एमएलए सीएमएस आईईई वैंकूवर हार्वर्ड एसीएस एआईटी सीएससी एटसेट्रा। ये जो दी है list is available. It is available in, I think, in the Wikipedia and freely available. The listing आपको मिल जाएगी, right? APA है, American Psychological Assessment, ऊपर ये MLA, Model Language System का English and Humanities में यूज होता है, APA Psychology Educational Sciences, और most common जो है APA ही है जो यूज होता है APA style। उसके अलावा subject wise बहुत सारे styles हैं, मुझे खुद नहीं पता ही मेरे थीसिस किस राइटिंग स्टाइल में लिखी हुई है, क्योंकि मैंने एक यूनिफॉर्म स्टाइल अपनाया और उसको अडॉप्ट, जो आपको ठीक और कंफर्टेबल लगता है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसको अडॉप्ट। सो फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के नाम जो केमिकल का नाम है लंबे चौड़े नाम होता है, तो क्या कहते हैं टाइटल लिखते ही नहीं है रेफरेंस, वो एक स्टाइल में टाइटल होता ही नहीं, मतलब यू डोंट राइट द टाइटल ऑफ आर्टिकल इन दैट पर्टिकुलर स्टाइल, तो दे अडॉप्ट दैट स्टाइल, क्योंकि केमिकल का नाम लंबा चौड़ा हो जाएगा उसमें तो लिखना पड़ेगा, इसलिए वो टाइटल ही स्किप करते हैं पूरा स्टाइल में, रेफरेंस जब करते हैं साइटेशन स्टाइल करते हैं जब रेफरेंस लिख रहे हैं। सो बट द बिग थ्री आर एपीए एमएलए सीएमएस, दीज आर द बिग थ्री, सबसे बड़ी थ्री राइटिंग स्टाइल्स हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर एपीए एमएलए सीएमएस। एपीए स्टाइल दिस इज द ऑफिशियल गाइडलाइन बट फॉलोड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल असेसमेंट नाउ इन सिक्स्थ एडिशन, इज द प्रेफरेंस ऑफ द सोशल साइंसेस, सो यू आर स्टडीिंग सोशियोलॉजी साइकोलॉजी मेडिसिन रादर एजुकेशन आल्सो फॉर सोर्स फॉर सोशल वर्क यू आर गोइंग टू नो द एपीए स्टाइल। So APA style is the most popular one among the education sciences, arts and humanities. MLA, Model Language Association, for the focus on the humanities, for artists, English majors and theater students, adopt the MLA. CMS, Chicago Mainstream style, is predominantly seen in the humanities, particularly the literature students and those who stay advanced segment, those who study the advanced segment of history and all the arts. The big three. What is there in the big three? These styles share many characteristics such as margin spacing, because some set of characters are there. How they attribute references, not only margin, bhai kitna page idhar se chhodna hai, kitna idhar se chhodna hai, ye se. Dusra hai, how to attribute references, reference ko kis tarah se pesh karte hain. For example, APA lists references by MLA cause of same thing, not cited. मतलब नाम का अर्थ चेंज हो जाता है, बाकी सब चीजें वो गया है कि स्टाइल वाइज डिफर कर सकती है। ए साइटेशन है क्या, साइटेशन इज ए वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स और देयर क्रिएटिव एंड इंटरेक्टिव वर्क्स दैट यू यूटिलाइज टू सपोर्ट योर रिसर्च, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू लोकेट पार्टिकुलर फोर्सेस एंड कॉम्बैट प्लैजरिज्म। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट to learn the citation styles, because as a reviewer I judge the quality of articles very firstly
after the gross title and abstract, I directly go to the references. The quality of references, quality of papers you have cited, their chronological balance, and their updateness. I check. मैंने बात करा होता क्या ये मुझे लगे एजुकेशन के केसेस आते हैं जो फंड जो भी फंड होते हैं बिल रेफरेंस डाल दिए उसमें पर अपन पढ़े थे अपन उठा के डालते हैं सर उसके बाद रेफरेंस तो मेरे पूरे साथ पूरे पास्ट आते हैं ज्यादा नहीं तो मैंने क्या किया एक एक 2018 का डाल दिया जब मैं चेक करता हूँ तो मैं ये भी देखता हूँ कि हर ईयर का बैलेंस कितना है उस आर्टिकल का आर्ट रेफरेंसेस का भाई तुम्हें पिछले 2004 से पहले के तो तुम्हें जो 250 रेफरेंस मिले और 2004 से 2019 के बाद के 19 तक के तुम्हें रेफरेंस गिनती के 12 मिले कैसे हाँ हाउ इट इज पॉसिबल यहाँ पर भाई साहब आपको 2005 का आर्टिकल मिल गया था ये बात की किसी मिल गई थी तो आपको रेफरेंस मिल गए यहाँ पकड़ में आता है बंदा मैं बता और आपको रेफरेंस का बैलेंस उसी प्रोपोर्शन में रखना पड़ेगा जिस कंसिस्टेंटली रखना पड़ेगा अपडेटनेस रखनी पड़ेगी ऐसा तो कतई नहीं हो सकता कि आपके फील्ड में एक साल में काम ही नहीं हुआ और दूसरे में 150 रेफरेंस आ गए ऐसा तो नहीं हो सकता भाई ठीक है देखिए किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है भाई जाहिर सी बात है जापान में आए भूकंप की विभीषिका का जो विश्लेषण होगा 2011-12 में ही होगा उससे पहले तो नहीं हो सकता इसेंटिक तो कॉन्टेक्स्ट में मानता हूं कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है पर हर जगह नहीं है हां ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखिए भाई जो जहां चल रहा है वहां तो होगा उससे पहले में उतना नहीं होगा ये मैं मान सकता हूं कुछ स्पेसिफिक केस में ही ऐसा होगा इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल आर्टमेटिक्स कॉन्ट्रोवर्सी फील्ड जहां कॉन्ट्रोवर्सी ज्यादा होती है हिट्स ज्यादा मिलते हैं या लाइक्स या डिसलाइक ज्यादा होते हैं सोशल मीडिया ओरिएंटेड जो चीजें होती है ना जो सोशल मीडिया से चलती है कॉन्ट्रोवर्सियल फील्ड ऑफ रिसर्च जिसे हम बोलते हैं वो जो सोशल मीडिया ड्राइवन होती है ना उनकी साइटेशन अलग ढंग से होती है मतलब उनका ट्रेंड बिल्कुल अलग होता है क्योंकि बिकॉज दे आर गाइडेड बाई दी डिस्कशन हॉट डिस्कशन कॉन्ट्रोवर्सी Whenever the controversy is created, they have the citations are good. Otherwise not. See? Yeah. A citation style dictates the information necessary for a citation and how the information is ordered as well as punctuation and other formatting. Even it guides how you will punctuate. देखिए, ये these are the subject psychology हम जिससे कर चुके हैं, but use past tense सभी में लिखते हैं, past tense में लिखते हैं और present perfect tense use करते हैं. Even they prescribe verb tense कैसे use करना चाहिए. They are freely available. You need not to note it down. आप डालेंगे तो आपको पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी पूरा पीडीएफ मिल जाएगा मैंने जस्ट कंपाइल किया तीनों को नाउ हेडिंग्स की अगर बात करें अप टू 5 लेवल्स के हेडिंग मिलते हैं एपीए में एमएलए में ऐसा सीएमएस में स्टार टाइटल पेज में रिक्वायर्ड टाइटल लेंथ अप टू 12 वर्ड्स इन एपीए नो टाइटल पेज इज रिक्वायर्ड इन एमएलए इन सीएमएस टाइटल पेज शुड इंक्लूड बोथ टाइटल ऑफ वर्क एंड सबटाइटल पेज नंबर्स नंबर ऑफ पेजेस कॉन्टिन्यू टू स्टार्टिंग विद द टारगेट पेज यूजिंग अरबिक न्यूमरल्स ये सब तीनों में सेम है फिर आते हैं मार्जिन पे सब में 1 इंच ऑन साइड चलता है जब आप टेलीस्क्रिप्ट बना रहे हैं तो 1 इंच ऑन साइड होती है जैसे बात है थीसिस में अलग ढंग से होता है थीसिस में तो आप बाइंडिंग के लिए पूरी जगह रखते हो बाइंड रखो वो आप डाले नहीं लाइन स्पेसिंग डबल स्पेसिंग चलती है सब जगह पैराग्राफ इंडेंटेशन इंडेंट फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ एंड फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी फुट नोट हाफ इंच फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन ये बल्कि इंडेंट वाला मैं जिससे आपको वहां बताना भूल गया कि जब थ्री लाइंस को लेते हैं हम तो जब हम कॉपी कर रहे होते हैं तो इंडेंट देते हैं 5 स्पेस का जब किसी को कॉपी करते हैं ना मैंने आपको बताया था कि 3 लाइंस तक हम ले सकते हैं डायरेक्ट को छोटे से अगर ले रहे उसमें ये भी है वो है कुछ 5 स्पेसेस या आपको मतलब आप डायरेक्ट वहां से लेफ्ट इंडेंट को डायरेक्ट से एग्जैक्ट यहां से आपको इंडेंट शुरू हो रहा है तो आप यहां इंडेंट मारेंगे 5 स्पेस का वहां से शुरू करेंगे वो आप टाइम मारते हैं पैराग्राफ जब बनाते हैं क्या करते हैं टाइम मारते हैं ना
तो पांच स्पेस कम होना चाहिए, मैं पांच स्पेस मुझे पांच मुझे पांच स्पेस है इक्वल टू वन टैब इक्वल टू पांच टैब नहीं पांच स्पेस के बराबर एक टैब होता है ठीक है तो फाइव स्पेस टक 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 वो तो फाइव स्पेस एक टैब से कम होगा दादा तो कह रहे हैं मतलब मिनिमम फाइव स्पेस का गैप होना चाहिए आप डायरेक्ट उसको बंद करके नहीं लेके चलो क्यों ऐसा क्यों बोला आप बताएं मुझे ऐसा क्यों कहा कि पांच स्पेस का होना इससे क्या हो जाएगा खाना खा लूंगा वो आ सकता है ताकि आप ये ऐसा नहीं कि भीड़ में ये भी चल जाएगा कि अरे मैंने लिखा है गाना बोला ऐसा नहीं आपको क्रिटिकली ऑनेस्टली शो करना है कि मैंने ये वहां से लिया है इसलिए कहा ठीक है ना इसीलिए कहा पांच स्पेस जब आप एक टैब मारते हो पांच स्पेस नहीं पांच स्पेस से ज्यादा का होता है पांच स्पेस से ज्यादा का ताकि मकसद ये कि अलग से दिखना चाहिए अलग से चमकना चाहिए हाँ जो कॉपी किया क्रोट किया तीन लाइन थर्टी लाइन वर्ड तो अलग चमकना चाहिए दादा मैं तो कहूंगा उसे बोल्ड करो आप बोल्ड करो उसको अलग से कि मैंने ये लिया है आप जजमेंट देखेंगे ना लॉ वाले जजमेंट देखते हैं वो भी तो लाइन लेते हैं इधर से उधर से जब जजमेंट जज लिखता है पूरा बकायदा क्रोट करता है बोल्ड करता है अपने जजमेंट से वो अलग पेज में उसको लिखता है आप देखे हो तो इट इज अबाउट गिविंग द क्रेडिट ऑनेस्टली इट इज ऑल अबाउट सर मैंने बोला एक टैब पांच स्पेस से ज्यादा का होता है पांच स्पेस के बाद अल्फाबेट पांच अल्फाबेट के बराबर मैं आपको ये बता रहा हूं एक टैब पांच स्पेस से ज्यादा का होता है कहने का मतलब ये कि वो अलग चमकना चाहिए एक दो पैराग्राफ और उसमें पैराग्राफ स्टाइल नहीं करेंगे वो जब कोड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पैराग्राफ अलग से शुरू होगा उसकी कंटिन्यू आप लिखेंगे नहीं तो जब एक पैरा के बीच में पांच लाइन दो लाइन अलग से नहीं दिखेंगे आपको एक लाइन 39 वर्ड्स ओनली मकसद है उसको अलग से दिखना चाहिए कैसे भी कर देखिए डायरेक्ट कोट की बात अलग है इनका साइटेशन तो आप जब दे ही रहे हो मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट कोट में तो कोट करने की भी जरूरत नहीं होती 39 वर्ड्स तक कोट में अंदर रखने की भी जरूरत नहीं होती भाई मैं आई इफ आई से आई I don't invent a thing that don't sell because here is the proof of utility in Thomas Alva Edison. But, सीधे मैंने लिख दिया उसके आगे और थॉट का भी लिखता हूँ क्या भीड़ में लिखते हो क्या आप थॉट को थॉट को अलग से लिखते हो ना आप उनका अपना पहला खत्म हो गया उसके बाद ये लिखते हो मकसद ये अलग से लिखना चाहिए भैया उसने बोल रखा मेरे चाचा ने नहीं बोल रखा या मैंने नहीं बोल रखा वो एडिसन ने बोला तो एडिसन शुड बी गिवन ड्यू क्रेडिट भैया उसका थॉट ठीक है मकसद वही है आप चाहो तो उस पर कलर कर दो कहने का मतलब यह आपको बाध्य कर रहा है वो कि वो आप उसको ईमानदारी के साथ अलग दिखाओ ठीक है क्या डबल स्पेस डबल स्पेस नहीं जानता हाँ जैसे 1.5 होता है डबल स्पेस कंट्रोल टू कंट्रोल डबल स्पेस मैंने स्पीड सबमिशन के लिए बात कर रहा हूं और जो भी अगर स्टाइल बोला तो डबल स्पेसिंग चलेगा याद करने की जरूरत नहीं है आपके वर्ड के जो प्रोसेसर होता है उस वर्ड के प्रोसेसर पे जाएंगे तो उसमें साइटेशन के हिसाब से आप केवल साइटेशन स्टाइल चुनेंगे एंड दैट वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी ठीक है कभी ट्राई कीजिएगा वर्ड में जो प्रोसेसिंग में जाइएगा वो एपीए एमएलए सीएमएस के हिसाब से अपना आप सेट कर देगा ठीक है तो इंडेक्स साइटेशन ऑन द डेट ऑफ वर्ड साइटेड ऑन ऑथरशिप एंड ऑथराइज्ड डेट जैसा कि कह रहे थे कि भाई मैंने ये फला नाम लिखा कि किसका ऑथर का नाम किया तो उसमें ऑथराइज्ड डेट चलता है सीएमएस में वहां केवल ऑथरशिप के नाम से चलता है और उधर डेट ऑफ वर्क क्रिएटेड के हिसाब से चलता है तो बिब्लियोग्राफी पेज में रेफरेंसेस बोलते हैं इधर जो वर्ड साइटेड बोलते हैं इधर जो है बिब्लियोग्राफी और वर्ड साइटेड दोनों बोलते हैं तीनों बोलते हैं नाम अलग अलग है नॉमिनेशन अलग अलग है इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि जर्नल का रेफरेंस अलग ढंग से लिखा जाता है बुक का अलग है हर एक स्टाइल का अपना यूनिक हो तो यू बहुत हो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बताने वाली बात है आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई रेफरेंस क्या लिखा हाँ उस रेफरेंस की जो मेहनत है वो कैसे मैनेजमेंट टूल पे काम कर रही है वो हम बताने जा रहे हैं ठीक है इसके अलावा यार डिक्टेशन एंड सिंटैक्स पंक्चुएशन एब्रिविएशन नंबर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की गाइडलाइन भी सारी गाइड उसमें है राइटिंग स्टाइल में होती है भाई मैंने आवर लिखना है तो आवर लिखने की जरूरत नहीं है एच लिखेंगे राइटिंग स्टाइल में मिनट्स लिखना है तो एम आई एन लिखेंगे सेकंड लिखना है तो एस लिखेंगे और सी एस लिखने की जरूरत नहीं
whole writing style pe different karta hai. So ye numbers matlab isse related cheeze statistics hai to SI unit hai ki MPS unit hai, kaun si unit ko adapt kar raha hu wahan dikhao. So reference citation, citation management tools are mainly and note detail. These are three tools. Hum end note ki baat karenge abhi, batayenge aapko. These are the tools for importing the citation from sources and articles. ऐसा नहीं होता कि मुझे यहाँ रेफरेंस मिला, फिर मैंने कागज में नोट किया, फिर मैंने वहाँ टाइप किया, इस वाली स्टाइल में किया, कोई मैंने करने की जरूरत नहीं. आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो उस स्टाइल में अपने सीधे वर्ड के पेज. यू कैन इंपोर्ट दैट रेफरेंस इन दैट पर्टिकुलर स्टाइल इमीडिएटली. यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग यू आर राइटिंग. यू विल जस्ट सेलेक्ट इट स्टाइल एंड इट विल बी द रेफरेंस साइटेशन विल बी imported to your word file directly. But that's why sir was saying, Joseph was saying कि उसके कि जगह इनको अलग अलग स्टाइल के बारे में बता दिए. मैंने सर डोंट वरी, मेहनत से नहीं, हमें स्मार्टली काम करना. ये मुझे जानने की जरूरत नहीं कि इस स्टाइल में ये ऐसे दिखते हैं, भैया वो काम कंप्यूटर का है. ठीक है, तो ऐसा अगर ऐसा ही नहीं होता तो हम हर लाइब्रेरी में चले जाते, फिर तो पन्नों पर लड़ते हैं. हम तो स्मार्टली जो है वो इसके रिलेटेड सर्च करते हैं. सो विल टेल यू हाउ वी कैन गो थ्रू दीज थिंग्स. एंड देन So before that, we would like to show you Brazil, Urkunda, Bahar. Urkunda, वैसे आपको जो मैंने चैनल से मैं वो भेजा था अभी, उसके चैनल पे जाएंगे आप, जब सब्सक्राइब कीजिएगा उस चैनल को तो वहाँ पर फ्री में अवेलेबल भी है, नहीं तो आप क्लोज में एक्सेस कीजिए जरूर. यू विल गेट ऑल द आंसर्स इन आवर कोर्स. ये चीज हम सब डिस्कस कर चुके हैं अप टू दिस थिंग राधा अस्पताली मैनेजर क्विज भी फ्लोट की है. सो प्लीज हाँ बोले. नहीं सर, मैंने बताया आपको. वैसे देखिए पहले समझा जा सकता है कि बिब्लियोग्राफी मीन्स आप रेफरेंस वहां मत लगाओ, और जो मोटा मोटा रेफरेंस जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वालों को जो है कई जगह क्या होता है, जैसे नॉवल लिख रहा है माइकल क्रिस्टन नॉवल लिखा तो बिब्लियोग्राफी डालती कि मैंने ये पढ़ा था, उन्हें सारी डाल दी. कौन सी चीज उसने कहाँ पढ़ी थी वो रेफरेंस है, टाइटल साइटेशन है आपका, बिब्लियोग्राफी अलग चीज है. लेकिन राइटिंग स्टाइल में बिब्लियोग्राफी भी वही कहता है, जो राइटिंग स्टाइल होता है बिब्लियोग्राफी का रेफरेंस का सेंड है वो सेंड है. सर वो जर्नल पे जाइए, जर्नल जो बोलता है हम भी वही बोलेंगे. बिब्लियोग्राफी डालता हूँ तो मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैंने कहाँ कहाँ से लिया था, तो बिब्लियोग्राफी में ये समझा जाता है कि ये कंपाइलेशन है कि मैंने कहाँ कहा. जैसे बुक में डालते हैं लोग बुक चेपर लिखते हैं तो एक साथ सारे रेफरेंस लिख देते हैं 10 बार, तो बिब्लियोग्राफी में यू कैन बी एग्जेम्प्टेड. बट राइटिंग स्टाइल makes it same. वो कहता है synonym है, वो कोई दिक्कत नहीं. But cited, references and bibliography all three are same. Well anyway, meanwhile जब तक light आती है तब तक हम कुछ और discuss कर लेते हैं. हाँ बोलेंगे. Writing styles, whatever the writing styles tell you, you can adopt that. Writing styles, yeah. For publication, whatever the journal says, don't go, whatever the journal says in author's guideline, you just follow. Don't use your brain. Don't use your own style. Just stick to guidelines. Even if you, I have got the rejection just for not putting the commas in references somewhere. Can you imagine? It happens. And please, as far as the references, as far as the importance was concerned, I forgot to tell you the very important thing. देखिए साहब, एक वो बीच में चला गया, पूछने में क्या है? Don't afraid of submitting
your manuscript to topmost journal. Don't be afraid. ये अपने अंदर का भय छोड़ दीजिए. लिखिए starting में. Rather, you know, you won't believe. मैंने कोई journal ऐसा नहीं है जहाँ मैंने paper नहीं भेजा नहीं हो. छपे ना छपे. If I were having around 70-80 papers in good impact, I have sent the paper to the nature also. मुझे पता है मेरे पास काम नहीं है मेरे उस लेवल का. मुझे पता है मेरा पेपर नहीं छपना है वहां पर मैंने भेजा. क्यों भेजा? थप्पड़ खाने के लिए. क्यों भेजा? रिजेक्शन पाने के लिए. क्यों भेजा? उस रिजेक्शन के साथ 10 पेज का मेरे को जो है थप्पड़ आया था. वो जो कमेंट्स आए थे उस कमेंट्स के बेस पे, क्योंकि वो एक्सपर्ट बैठा हुआ एक जो है यूरोप में बैठा हुआ प्रोफेसर है, यूएस में बैठा हुआ प्रोफेसर है, भैया मुझे फ्री में उनके सजेशन मिल रहे हैं, कमेंट मिले, क्यों ना करो. जो हमारा सुपरवाइजर नहीं बता पाएगा मुझे, मैंने तो उनसे फ्री में ले लिया ना. तो अच्छे जर्नल में भेजने का कुछ रिजेक्शन भी आपको जो है सिखाता है. एंड आई आई एम प्राउड टू से आई एम द मैन ऑफ फेलियर्स. आई गॉट मोर देन 500 रिजेक्शन. My email is filled up those rejections. But what I did, I targeted 50, impact factor 50. Okay, rejections. I targeted then 10, impact factor 20, impact factor 10. Then I succeeded in getting my paper published in impact factor 5. And impact factor 5, for those people, jahan hamare field mein impact factor 0.5 mein chalna bhi bahut badi baat mani jaati hai. I have got my paper published 5. Because aim high. उनके रिजेक्शन से क्या होता है, मेरी क्वालिटी जो फ्री में इंप्रूव हो रही है, मुझे सजेशन मिलते जा रहे हैं, तो मैं उसको और रिफाइन कर एक एक पेपर को मैं 5-5, 10-10 जगह भेजा. बट वो मुद्दा, वो आपके अंदर मुद्दा, आपके जज्बा बना के रखना पड़ता. एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज. अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करना, मुझे नंबर ही बढ़ाने होते तो हो सकता है, अगर मैं जिस हिसाब से लोग चलते हैं मेरे शायद आज 300 या 500 पेपर फ्लो होता अगर मैं खाली इस पे चलता कि मुझे नंबर देख. आप एक पेपर को दो जगह नहीं भेज सकते, टेक्निकली. आप दूसरी जगह भेजिए. व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्प्लिट योर वर्क इनटू 2-3 टाइम्स. हाउएवर, ये भी अनएथिकल है कि आप अपने एक वर्क को जो है दो पार्ट में, तीन पार्ट में स्प्लिट करें. ऐसा माना जाता है, साइंस में तो ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्प्लिट करते हो. साइंस में आपको एक कंप्लीट वर्क एज एक कंप्लीट एंटिटी आपको जो है भेजना चाहिए. तो ये मेरा कहना है कि बजाय जल्दी छपने की दौड़ में आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, स्टार्ट अर्ली. अब आप कहेंगे साहब अभी तो हमने रिसर्च शुरू करी, अब हम क्या करें? एक अच्छा रिव्यू बनाइए, प्लान ए मेटा एनालिसिस ऑफ डेटा. मेटा एनालिसिस बोलते हैं ऐसा रिव्यू पेपर जिसमें आप अब तक की रिसर्च को क्वांटिफाइली जो है क्वांटिटेटिवली जो है एनालाइज कर रहे हैं. दैट यू गो फॉर दैट एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द रिव्यू पेपर. इन दैट कंडीशन व्हेनेवर यू विल बी फिनिशिंग योर वन ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ योर रिसर्च, यू विल बी हैविंग अ रिव्यू पेपर इन योर हैंड दैट इन गुड इंपैक्ट और दैट इन एट लीस्ट इन गुड साइट इंडेक्सिंग. And it will give you recognition in the field. It will be easy for you to get your research paper published if you are already having it on paper. Even if it is, don't bother, even if it is review paper. यही time है, review बाद में बनता नहीं है भाई साहब. उसके बाद क्या रहता है? One crore thesis, अंदर रखो. और ये भी बता दूँ, thesis एक आज जिंदगी में आदमी एक बार ही या दो बार ही देखता है. जैसी अवार्डिंग उसके बाद वो ऐसी अंदर जाती है कि कभी भूलती नहीं है. इंटरव्यू जाता है वो एक आध बार को ले जाता, मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई थीसिस को देखने वाला भी है ले जाने जाता. बोलने की बात है साहब, जब तक कि जो कोई शुभचिंतक ने आपको प्रेरित नहीं किया उसको निकालने के लिए बातें नहीं किया. देखना पड़ेगा यार कौन सी वाली टेबल के लिए बोला जो मैंने कॉपी कर दी.
problem. ये उर्कुन का वेबसाइट है इन दी दिस वेबसाइट बट वी आर शोइंग दैट वी हैव गॉट द इंस्टीट्यूशनल आईडी एंड वी गेट द दैट आईडी कंफर्मेशन इन आवर ईमेल एज अ फैकल्टी मेंबर ओके इट इज ओनली अलाउड फॉर द फैकल्टी मेंबर सो वी सर्च दैट फ्रॉम हियर वी हैव गॉट द उर्कुन ईमेल फ्रॉम हियर वी हैव दिस आईडी दिस इज कॉल्ड द दैट आईडी दैट ईमेल आईडी हमको मिलता है जो एनालिसिस वाला आईडी है इसमें अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं आपके गाइड के पास ये आईडी होगा तो वो आप जो है इस ईमेल पे उसको ईमेल करेंगे तो आप यू विल बी एबल टू गेट द थिंग्स थ्रू सुपरवाइजर आपको सुपरवाइजर ही देगा यू वांट बी हैविंग द एक्सेस तो एंड इसी मेल के नीचे आपको जो है अगर आप उर्कुन का साइट खोलेंगे तो उर्कुन में एक नो हाउ एफएक्यू करके गाइडलाइन करके पीडीएफ भी है जिसमें चार पेज में वो सारा बता देता है कि वो कैसे कैसे काम करता है तो ये हमने वही बताया कि इसके बाद जैसे हम अब हमने क्या करना है इसके थ्रू हम उर्कुन को खोलते हैं अपना यूजर नेम पासवर्ड जो हमारा है हमने उसको एक्टिवेट कर दिया जैसे हमारा पास जैसे मेरे पे आईडी आ गई जी मेरा तो मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ एक्टिवेट करने के बाद अभी जैसे जाएंगे दिस इज अ लिंक वी क्लिक ऑन दैट लिंक एंड देन इट इज डायरेक्टेड टू द उर्कुन उर्कुन हम इसलिए बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर यूजिंग उर्कुन फॉर द सॉफ्टवेयर आई थिंक चेकिंग मोस्ट प्रोबेबली Isn't it? Anyone who is having another software, Urkun ka ye batai guide hai, quick start guide is available there. Three ways of using Urkun. Aap ye dekh sakte hain, freely available there in Urkun's website. Urkun ka website hai available hai. You can check it out. Hai na? Aap isse dekh sakte hain, char ek page ka hi hai. So you will get the idea ki how to use it. However, it is not for you to use it. Okay, it is for your. So, apne supervisor ko bata dijiye, is tarah ye aise aise hota hai. नहीं है वाकई नहीं पता लोग आई डोंट थिंक सो कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कितने लोगों के पास उर्कुन की आईडी है या दिस इज अवर आईडी यहां पर जो है मैडम ने जो है लॉगिन किया लॉगिन करते ही हमारा एक डैशबोर्ड खुल जाता है जैसे ये डैशबोर्ड खुल जाएगा डैशबोर्ड करने के बाद ये उर्कुन का उर्कुन डाला मतलब उसी लॉगिन से हमने उर्कुन ये लॉगिन किया बराबर है
पर ये कि आपको क्लियर हो जाएगा ना. ये हमने बताया कि आप मल्टीपल वो भी डाल सकते हैं, नहीं चाहिए फिलहाल हमको, हमने रिमूव कर दिया. We went to the फाइल ओनली, ये फाइल हमने करी और इसको जो है सबमिट कर दिया विद इन टू मिनट्स, वन टू मिनट्स आपके पास ये जो है मेल में आ जाता है. अभी सबमिशन की आपको मेल आ जाएगी कि हाँ भाई ये सबमिट हो गया ऑटो. उसके बाद विद इन वन और टू मिनट्स और डिपेंडिंग ऑन द साइज, अगर वो 1000 पेज की 2000 पेज की तो थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ा भी मतलब 3-4 मिनट ज्यादा से ज्यादा, 2 मिनट ज्यादा, 4 मिनट ज्यादा, नॉट मोर देन दैट. सो हमारे पास ये जैसे जो है तुरंत ये मेल आ गई हमारे पास, ये ओरकुल पे इतना इन्फॉर्मेशन ऑफ रिसीव, ये जो मॉड्यूल 4 है आपका ये वहाँ पहुँच गया. ये सबमिशन क्या है, जैसे रिपोर्ट जनरेट होगी एक और मेल आएगी विद इन 1-2 मिनट्स वो रिपोर्ट की ई मेल आ जाएगी. आप डैशबोर्ड में जाएंगे, व्हाट विल डू वी आर गोइंग टू द डैशबोर्ड एंड हियर दैट फाइल विल बी जनरेटेड. ठीक है, इस समय नहीं दिखा रहा, अभी आई नहीं है वो मेल. इसके थोड़ी देर बाद जो है तुरंत वहां पर वो ऐसे दिखेगा जैसे नीचे फाइल दिख रही है आपको, जैसे मैं बता रहा 21% यानी 21% दिखा रहा है. ठीक है, 21% दिखा रहा है. तो आपने क्या करना है कि आपने उस फाइल को खोला, वहां पर क्लिक किया तो वो फाइल का जो है पूरी रिपोर्ट खुल जाएगी. ये रिपोर्ट दिस रिपोर्ट विल बी ओपन ऑन द ओपन. अभी हम जैसे कैरबीनर वेटिंग के खुल जाए, उसके बाद हमने फिर वापस उसको चेक किया, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू रहता है. और जैसे ही फाइल खुलती है उसमें पूरी डिटेल आ जाती है कि कहाँ से कौन सी लाइन ली है. ये कलर से रिपोर्ट आपको मिलेगी, दैट रिपोर्ट टेल्स यू दैट फ्रॉम दिस सोर्स यू हैव टेकन विच कंटेंट. ओके, एंड द राइट पैन यू विल गेट द लिस्ट ऑफ सोर्सेस. लिस्ट ऑफ सोर्सेस को आपका एडमिन और सुपरवाइजर ये सेलेक्ट करेगा कि विच सोर्स मे बी अनटिक. जब वो सोर्स अनटिक हो जाता है तो वो प्लेजरिज्म से हट जाता है. वो कब हटेगा, या तो क्रिएटिव कॉमन्स में होगा, या जो प्लेजरिज्म के रूल, क्या आपका अपना उदारता आर्टिकल है पहले का, या जो कंडीशन जो आप डिफेंड कर पाए अपने सुपरवाइजर और अपने एडमिन को या अपने लाइब्रेरी देन ऑनली देन. या फिर मैंने चौथी कंडीशन बताई है, या दो चाचा हुआ आपका तो दोनों जीरो कर देगा. ठीक है, तो ये जैसे हम आए यहाँ पर तो ये कहो कि इस पर ये ध्यान रखिएगा, वैसे आपको जीरो भी करेगा ना तो वो जो रिपोर्ट बनती है ना उसमें लिखा रहता है कि ये रेफरेंस है. मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो कर दिया तो जीरो का टक्का मिल गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया. वो जो पीडीएफ की रिपोर्ट जनरेटेड रहती है ना उस रिपोर्ट में ये लिखा रहता है कि भाई ये अनटिक है. मतलब किसी भी टाइम आपसे पूछा जा सकता है, भाई साहब आपने टिक किए थे तो कारण क्या था, रीजन पूछा जा सकता है. समझे बात को, इट मीन यू विल हैव टू बी इन डिफेंडिंग पोजीशन. देखिए ये जो पोजीशन आ गई आपकी, ये आपके राइटिंग पैन में ये लिख रखी है. यहाँ देखिए जो हमने कॉल किया ये जो पोर्शन था यहाँ पे लिख रखा है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लिया है, इसका एक्सट्रा जो किया है ये 100% इतना पोर्शन 100% कॉपी है, इतना परसेंट कॉपी है, और यहाँ 21% ये 23% जो आपको दिख रहा है. ठीक है, दिस आर द सोर्सेस. अब ये जो टिक ये सोर्सेस है कि ये वाला लाइन यहाँ से लिया, ये वाला लाइन ये से लिया. आप ये देख रहे हैं कि स्लाइड शेयर सिमेंटी ये मेरा खुद का सोर्स है, स्लाइड शेयर में मेरी खुद की डाली है तो मैं इसको आराम से इसको अनक्लिक कर सकता हूँ, आई कैन जस्टिफाई. ठीक है, ये तो मैंने इसको क्या किया अनक्लिक कर दिया. ये मेरा ही सोर्स है, ये मैंने ही लिख रखा, मेरे कॉम्प्यूटर इसका कॉपीराइट ही मेरे पास है. ठीक है, तो मैंने इसको बस क्रिएटिव कॉमन्स में है तो मैंने इसको क्या किया अनक्लिक कर दिया. देखिए वहां पर वो तुरंत घट के कितना परसेंट हो गया, 3%. समझ गया बात को, तो बाई दिस वे परसेंटेज घटता है. पर भाई साहब तो ये पता रहेगा, दिस विल बी वेल नोन टू एनी अदर पर्सन दैट विच सोर्स आई अनक्लिक, विच सोर्स आई एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लैगरिज्म चेक. Okay, you should be able to do that. You can export this file as a PDF as in the form of report. And that report is actually submitted along with the thesis. Okay. So now, this is the sources. There are 3% it is showing significance at this time, and this will be containing all the report. And at the last, you will get the sources which are excluded. You will get last one, that you have excluded this. Okay? Excluded. जो भी है पूरा डिटेल यहाँ पर मिलेगा. दूसरा वाला बहुत ज्वाइन चाहिए. सो दिस वे सब
दो लाइन से पहले वाले चैप्टर का दो से तीन लाइन जो ब्लैक में लिखी है कुछ नहीं है, उनको खाली कष्ट करना पड़ेगा, लाइब्रेरी के पास जाना पड़ेगा।
टाइम से वहाँ ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी ओटीपी वगैरह कुछ ऐसा आता है जो वहाँ वो उसको एंडोर्स करता है, थोड़ा टाइम को देना पड़ेगा, वो टाइम उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो फिजिकली वेरीफाई करता है ना, पता चला आपने जो है अपना सुपरवाइजर डॉट कॉम डॉट ए एट द रेट जी मेल डॉट कॉम करी कि साहब सुपरवाइजर
kg. What you got?
तो नहीं नो तू बोलता कि किस स्थान में कैसे किस दिन लिखना है कौन बोल रहा है एक बार वर्ड की फाइल में डाल हाँ यानी तो किसी में चेंज कर लीजिए आप किसी भी इसमें चेंज कर We will let you know about this end note. How we use the end note? It's a literature management tool. वैसे आप MS Word को भी अपना explore करते होंगे तो वहाँ पे अपने review पे कभी आप गए हो तो review में भी आप जो है जो चीज बता रहे थे उन लोगों ने बताया कि journal की जगह journal का नाम, title की जगह title का नाम अगर आप feed कर दें एक साथ तो वो एक साथ चीजें ले लेता है। जो चीज हमारे पास है हम उसको explore जरूर करें। MS Word में जाएं silly, stupid, time-taking things. Okay? So, when you're having the things, but the whole thing is that I'm a grinder, but I'm a gym, 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 I'm a अब जहाँ तक इसमें तो हमारे एरर आ रहे हैं ना इसमें तो एरर होना है जितना मैनुअल इंटरवेंशन देगा उतने एरर के चांसेस ज्यादा रहेंगे तो दैट्स व्हाई व्हाई नॉट यू यूज द मैनेजमेंट टूल इट विल सेव आवर टाइम बिग टाइम एंड दैट्स व्हाई जब आप पेपर को करेंगे तब काम आते हैं ज्यादा नहीं करता क्या मूविंग यार दिस इज द एंड नोट क्लाइमेट एनालिटिक्स एल्सवेयर का क्लाइमेट एनालिटिक्स की साइट है यू कैन गो टू एंड नोट can find, store and share and create. It is not just for one thing. It has got multiple dimensions. You can create and reference manually, import the references and find your best potential journal. When targeting a journal can be done, create a new group, share a group, cite while you write, create a formatted bibliography and format a paper. All things you can do in Visi and Node. It is also beneficial. Now, online is a step one. So, what is the thing?
example. Gracias.
fix करके make किया अगर आप तो से input करने का नाम लोग करते हैं मैं शोधा तो उस citation को भी आप import की library में कर सकते हैं लेकिन produce करने का कोई भी citation आप import की library में जोड़ सकते हैं ऐसा हो सकता है कि आपका कोई भी paper आपके subject का कोई भी paper import की अपनी library में ना हो आपने search किया import का तो आपको नहीं मिला Looking a little bit boring, but I would like to let you know that you bhai Ramar Dawa hai, jo hum bandon mein daate hain ki. You just have to create a library. You have to log into your EndNote or Mendeley. आप Mendeley में account बनाएं, EndNote में account बनाएं. अपनी एक library folder वहीं वहाँ बनाएं. अपना जहाँ से search करें, उस library में डालें और उस library से इधर export करें. आप इधर करते देखोगे आपको आ जाएगा कोई बड़ी टेक्निकल चीज है बट इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम जो रेफरेंस की और रेफरेंस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है बहुत बड़े इजीली सॉल्व हो ये आप कर सकते हैं रेफरेंस ऐड के लिए ना मेरे आप किसी भी स्टाइल में कर सकते हैं ठीक है एंड्रॉइड से आता है कि इसका भी ग्लोबल रेफरेंस Thank you.
आपने इस चीज को इंक्लूड किया है अपने मैनुस्क्रिप्ट में, तो इस प्रोसेस को हमें डिसाइड करने की कोशिश करता है कि आपको फिल्टर कौन सा एलिमेंट आपके मैनुस्क्रिप्ट के लिए बेस्ट है, आपको किस जर्नल को अप्रोच करना है। ये भी इन्होंने एक एल्गोरिथम डेवलप किया है जिसमें डिसाइड करवाते हैं कि आपने जो भी साइट किए हैं आर्टिकल उनके बेसिस पे आपके मैनुस्क्रिप्ट के लिए कौन सा एलिमेंट बेस्ट है। ये ये सारा का सारा काम जो भी एनोट करता है साइटेशन हो सकता है। अब लिटरेचर मैनेजमेंट की बात करना है, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपको किसी एक कीवर्ड को ढूंढना हो और सारे पेपर्स आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, चलिए अपने लैपटॉप पर रखते हैं, आप आज भी चाहती है कि पर्टिकुलर वर्ड या उसमें ढूंढा जाए, वो फैसिलिटी एनोट के साथ में अवेलेबल नहीं है। लैपटॉप पेपर में तो आपको अनुमति है पर्टिकुलर कीवर्ड को जितने भी आपने लाइब्रेरी में पेपर साइट किए हैं सर्च कर सकते हैं और उसके प्रोसेस पर आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि पर्टिकुलर टीम है जिस पर आप अपने काम कर रहे हैं वो कितने पेपर्स में नोट हुआ है। तो सर मैंडेट लेटर आई एम नॉट कंप्लीट डिटेल हमको टाइम लगेगा उस चीज में, तो मैंडेट लेटर का आपको प्रैक्टिस कीजिए वो उसके लिए भी जो मैंडेट लेटर मैंडेट भी आप शो मैंडेट मैंडेट इन अवर कोर्ट हमारे पास हमने पूरे डिटेल आपको बताया वहाँ पर एकदम बहुत रेपिटेशन होगा नेसेसरी वो कोई बात नहीं है। आई वुड लाइक टू ऐड कि टेक्निकली मैं आपको के बताऊंगा लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेस जी।
क्या लिखा था, ये अपने अपने से ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये विकिपीडिया जी बता रहे लिस्ट ऑफ अकेडमिक डेटा प्रोसीजर सर्च इंजन, ये बड़े ब्यूटीफुली आपको जो है कलर के हिसाब से बता, सब फूल बेस को रेड बताता है, जो फ्री डेटाबेस को येलो या ग्रीन से बताता है, ठीक है। तो यू अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से आप डेटाबेस चुनिए, ठीक है। स्कोपस जैसे डेटाबेस है, ये लाइफ साइंस, फूड साइंस, फिजिकल साइंस, हेल्थ साइंस, सारे साइंस को कवर करता है, ठीक है। इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी वन, ठीक है। स्कोपस बहुत सारे पब्लिशर्स को कवर करता है, अपडेटेड डेली 60 मिलियन रिकॉर्ड्स, बहुत सबको, वन ऑफ दी लार्जेस्ट वन, ठीक है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि बड़े सही तक प्लीज सीक्रेट ऑन स्पोकिंग बिहेवियर सेलेक्टिंग एनी वर्ड्स, ठीक है। ये जस्ट फ्रेज वर्ड्स, यहाँ जो हम उसको फ्रेज सर्चिंग कर सकते हैं, डबल कोट्स विल सर्च फॉर फजी फ्रेजेस, लाइक हार्ट अटैक अगर मैं लिखा, आई कैन फाइंड हार्ट अटैक एंड हार्ट अटैक्स बोथ सिंगुलर और प्लूरल, अगर मैं उसे कोट में डाल दूंगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो देन हार्ट अटैक लिखा तो इट विल सर्च ओनली फॉर हार्ट अटैक, पैदावाजी लिखा तो केवल पैदावाजी, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा। व्हाइट कार्स एस्टरिस रिप्लेस इट, अगर मैंने टॉक्स एस्टरिस किया तो इसमें भी टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन, टॉक्सिक, उससे रिलेटेड सारी चीजों को ढूंढेगा। यू विल लर्न दिस बूलियन ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेटर्स दे आर कॉल्ड इन एंड और नॉट, जब यूज करते हैं कि पैडागॉजी एंड एजुकेशन, पैडागॉजी एंड एजुकेशन नॉट यूनिवर्सिटी, यानी ये दो टर्म तो मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, जहां ए एन डी लिखना तो कैपिटल्स में लिखना, नॉट लिखना तो नॉट, तो ये चीजों को, ये इन बूलियन ऑपरेटर्स को सर्चिंग में यूज करना है, ठीक है। टाइप द कीवर्ड, यूज ओआर, और टेक द प्लस साइन टू ऐड मोर ऑपरेटर्स लाइक एंड, टाइप सिंपल मैं इसको छोड़ रहा हूं चीजों को, तो आपको बुलियन फिल्टर्स को यूज करना सीखना पड़ेगा, और ये उसमें भी काम करते हैं, गूगल स्कॉलर में भी काम करते हैं, एडवांस सर्च में अगर आप जाएंगे तो ऑपरेटर्स वैसे भी मिल जाते हैं। रेपिड साइंस भी इसी तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है, आपको मिलेगा, मैं इस फील्ड में ज्यादा नहीं जाऊँ क्योंकि सब सिस्टम बेस्ड है, बहुत कम लोगों को एक्सेस होगी रेपिड साइंस की एजेंसी को, उसी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं, तो मैंने देखा नहीं भाई रेपिड साइंस, तो इफेक्टिव ग्रुप ऑफ डेटाबेस रेपिड साइंस ग्रुप, तो आप डेटाबेस को ढूंढ सकते हैं, रेपिड साइंस कैसे ढूंढना होता है ग्रुप डिटेल, सर्चिंग पबमेड, पबमेड अगर आप एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन या उसके रिलेटेड पर काम कर रहे हैं, यहाँ तो वैसे मेडिकल का है पूरा, पर आप मल्टीडिसिप्लिनरी भी लेने लगा है जैसा कि बता रहे थे हम आपको कि एक पबमेड में, तो यू कैन सर्च द थिंग्स, ये डेटाबेसेस की लिस्टिंग है क्या, डीओएचए, ये आपके बहुत काम का, डीओएचए डॉट ओआरजी, डायरेक्टिव ओपन एक्सेस जर्नल्स, ठीक है। इसमें ओपन एक्सेस जर्नल्स के वर्ल्ड के पूरे ओपन एक्सेस जर्नल्स की लिस्टिंग होगी जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन सर्च दिस डेटाबेस, योर टॉपिक और पूरे डेटाबेस, डेटाबेस मीन्स a set of publishers and journals, it is not a database of some articles or a journal or a group of journals, it is a huge compilation of publishers and their journals put together, theek hai na, DOAR, directive open access repositories, open access articles and subscription based journals, open access means which are freely available, okay, without any subscription, without any fees, without any payment, okay. What to do? Identify the open access journals. आप क्या करेंगे? Open access journal अपने field का ढूंढें, जो freely available हो, तो freely text को provide करता हो, refer it और disseminate भी। ऐसा नहीं है कि जो freely provide करते हैं वो खत्म हो। कई आपके journals, आपको एक तरह के journals ऐसे हैं जो open access journal बहुत अच्छा quality matter देते हैं। Rather, आपको बड़े publishers open access में आने लगे। बहुत सारे publishers हैं जो पहले केवल subscription based चलते थे, वो article को open access भी रखते हैं। तो मेरी पेड जर्नल्स प्रोवाइड भी वन इश्यू पर ईयर, और पेड जर्नल्स भी हर एक पेड जर्नल ऑलमोस्ट एक इश्यू एक साल में फ्री देता है, या वन और टू ओपन एक्सेस आर्टिकल्स इन एवरी और एंड ऑफ, और हर एक इश्यू में एक या दो आर्टिकल फ्री देता है, तो अगर वो आर्टिकल सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी है कोई जर्नल उसको छानिए, तब भी हर एक जर्नल में आपको दोनों आर्टिकल तीन आर्टिकल तो फ्री मिल जाए, अगर आपके काम का कोई जर्नल है तो सटीक है, और उसके पिछले 10 साल के इसकी देख लो ऑनलाइन ही तो देखने, अगर ऑनलाइन मिल रहा है, यू मे गेट फ्री आर्टिकल, फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स। सो क्या इंडियन डेटाबेसेस, आई विल क्विकली समराइजिंग दिस थिंग, इंक्लूड नेट सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूजीसी और एमएचआरडी का जो है वह प्रोजेक्ट है, इंक्लूड नेट जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है,
he showed Ganga, showed Ganga after inflict the center head, say autonomous integrity center of UGC India. Showed Ganga 3, showed Ganga, he shows Sindhu. Yes, ICSR data service, IMCAT, with one expert database. All these are there. Is there are both are in but showed Ganga 3 as synopsis, is synopsis the database hai, from where the knowledge river originates. Showed Ganga 3 synopsis the database. Hai. Synopsis भी database में चलती है आपका और इसमें link शोध गंगा का भी है इस website में तो शोध गंगा के साथ शोध गंगा को भी indicate कर सकते हैं search कर सकते हैं ठीक है शोध गंगा आपकी thesis का repository है सारे Indian universities का ये आप अच्छी तरह जानते हैं reservoir of Indian thesis है ये शोध सिंधु इस consortium को higher education network it provide access to e-resources 15,000 plus full text journals from 25 publishers across the world 5 bibliographic databases, 2 legal databases, अपना हमारा Indian database है, freely available, ठीक है, ये show सिंधु, ICSI data service है, खासकर आपको education, social sciences, humanities, उसमें ICSI के data service आपको freely available मिलती है, जो कि ASI और NSS, National Sample Survey, और Annual Survey of Industries, इसके data आपको free मिलते हैं, सारी चीज, compile किया, UGC is mandating on that thing that each and every thesis must go to the Shodh Ganga. And ICSI data service is the ICSI data service website, you can go through it. IMCAT, books ka compile catalog hai, pure Indian catalog hai. Library mein available hai, Vidwan, ek database hai, research gate jaisa jo hamara Indian university ke faculty members ka wo hai. So you can select the person to whom you want to target for or you refer for your topics. विद्वान में डेटाबेस क्रिएट होता है फैकल्टी मेंबर्स का ओनली एंड सेकंड दैट टू आई थिंक यू नो 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग देम एनरोल्ड इनटू द विद्वान डेटाबेस विद द क्रेडेंशियल आई हैव दिस अकाउंट देयर इन विद्वान द मिसलेनियस इंडियन डेटाबेसेस मिसकैट इसका जानते हैं इसका भी कई जनाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन रिसर्च I don't think folk education का कुछ होगा इसमें ज़्यादा, और तो scientific research नहीं है। Google पर जाना provided with folk Indian Academy of Science इसमें है कुछ journal काफी जो freely available है। तो this was about the databases। Databases को मैंने खत्म किया, channels को हमने targeting किया, आपके बारे में बताया। Targeting important है, target आपने गलत किया, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसे targeting नहीं किया, targeting को focus किया, कई जगह focus So, best, I think, the practice here. उस पैरा को पढ़ना है और उस पैरा से रिलेटेड रेफरेंस खोजना है
एंड नोट में लाइब्रेरी बना के उसको एक्सपोर्ट करके वर्ल्ड की फाइल में पेस्ट करके देना, उसके नीचे लगा के देना। आप जो ने यहाँ बताया इससे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आप प्रैक्टिकल है, आप कर सकते हैं इजीली, इवन जस्ट इवन बाय आपको करना कुछ नहीं, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, ठीक है। नो इशू। तो आपको एक क्रिएट करनी है एंडनोट की लाइब्रेरी, एंडनोट पर लॉग इन कर रहा है और योर फ्री इफ यू वांट टू डू बाय द मेन वे एक ही से रखें। हाँ, किसी से भी कर लीजिए, आप स्कॉलर से कर लीजिए, मेनडे से कर लीजिए, एंडनोट पर अपनी लाइब्रेरी बनाइए, अपनी लाइब्रेरी बना के उससे रिलेटेड। हम इसने एक स्तर का स्तर दिया क्योंकि आप ये आप पे है कि आप कौन सा डेटाबेस दे रहे हैं, हम आपको फ्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आप डेटाबेस बताएंगे, जाहिर सी बात है आपको वो शेयर जब करेंगे तो उसको मेंशन करेंगे आपने कौन सा डेटाबेस यूज किया, स्कॉलर मेंडले और एंड नोट बता रहे हो तो कोई भी इश्यूज हो उसमें एक रेफरेंस लगा दीजिए। कितने रेफरेंस? अब ऐसा नहीं कि एक ही दो रेफरेंस लगाए आपने, कम से कम 10-1 रेफरेंस लगाए, 10 हो जाएगी हमारे पास मिनिमम 10-20 10-20 आप रेफरेंस लगाएं, कहाँ लगाने, कैसे लगाने, वो आपका वो है परसेप्शन है। एपीए स्टाइल में लगाएं, एक स्टाइल एपीए दे रहे हैं आप, वो कॉमन रहेगा दोनों के, तो एपीए स्टाइल में लगाएंगे आप और उसको लिख के रहें, मतलब आर्टिकल का एक प्रैक्टिस रहेगा कि वो कैसे लगना है। एक साइटेशन भी होगा भाई साहब, खाली नीचे नहीं लिखना है, टेक्स्ट साइटेशन भी होगा, देखिए जरा प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी, ऐसा नहीं कि आपने वहाँ से लिया ये आर्टिकल लिया इधर जेल के ऐसे नीचे लगा दिया, नहीं टेक्स्ट साइटेशन भी चाहिए मुझे उसका, उस लाइन टू लाइन, ठीक है, किस लाइन से कौन सा मैच करा, आपको लाइन वाइज जाना है तो इट विल बी प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको प्रैक्टिस नहीं दे पाऊंगा कि भाई आप एक पेपर पढ़ें, पेपर लिखें, एक ऑन टाइम में इतना नहीं कर सकते, एटलीस्ट यू विल हैव हैंड्स ऑन कि दुनिया में होता क्या है। तो जैसे मैंने एंड नोट बताया ना आपको, कोशिश कीजिए मेंडले प्रयोग कर, एंड नोट देख लिया एक बार, मेंडले ट्राई कीजिए, मेंडले में कैसे कर सकते, ठीक है, नई दिक्कत नहीं जाएगा। स्कॉलर देखिए, स्कॉलर में तो समझ में आ रहा है जी, सब मुद्दा है जो आपको इजीली समझना है, ठीक है, इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बाकी कोई दिक्कत हो गया एनीथिंग नाउ आउट इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस अगेन। Thank you.
सारी चीजें हमने अवेलेबल कर रखी है. मेरे ख्याल से ओईआर कॉमर्स में हमारा प्रोफाइल है, वहां पर है. मूडल में मेरा प्रोफाइल है, स्लाइड शेयर में मेरा प्रोफाइल है. तो प्रोफाइलिंग होने का मतलब नहीं, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट पीपल. आई एम हैविंग द कनेक्शन विद द लिंक्डइन, आई एम हैविंग द ट्विटर अकाउंट, एंड दिस इज द अबाउट गोइंग यू नो एक्टिव इन सोशल एस्पेक्ट्स. यू हैव टू डिसेमिनेट एटलीस्ट. If I can't publish the entire thing, at least I can give a hint. You might be seeing that I have given the, I do kept some of my topics public of code. ये है कि भैया ये trailer है, आना है तो code पर आइए. That kind of thing. वो मैंने बनाया course के लिए बनाया, public के लिए वैसे नहीं बनाया. वैसे वो use करना चाहे कोई risk है. मेरे सारे videos unlisted होंगे आज तक जो public कर रहे हैं, जो मैंने code public किए हैं, उसके अलावा unlisted. But I would say it is about reaching the people. It is about reaching the serious people. अदरवाइज रीच मुझे व्यूज हो रहना चाहिए भैया. मतलब सारी व्यूज की चीज मैं यूट्यूब पर डाल दूँ. यूट्यूब में है मेरे, मैंने पब्लिक नहीं किया. इट इज नॉट अबाउट, मेरे को कोई चीप पब्लिसिटी नहीं चाहिए, रीच नहीं चाहिए. रीच सीरियस पीपल भी चाहिए. तो आई वॉन्ट सीरियस पीपल टू कम विद मी, डिस्कस विद मी इन माई डिस्कशन बोर्ड, इंटरेक्ट विद मी इन द लाइव वेबिनार्स. द पीपल आर विद मी. और एवरी टाइम दैट वी कंडक्ट द लाइव वेबिनार, वी हैव द 1,000-2,000 पीपल विद अस इन द वेबिनार्स. Interacting from across the world, across the country, probably. So, if we are serious, we will gain the support of the serious people. So, research is all about a passion. It's about the passion, it's about the commitment. I'm still a researcher. I'm doing the research. I'm still a researcher. I always plan the things. So, that's the thing. Let's do over 100% and then a bit of extra. This is the winning edge. अगर आपने शिव के रखो पड़ा होगा, मैंने बहुत ज़्यादा क्या बड़ा इंग्लिश इंडियन किया है. This was winning edge. पहले घोड़े क्या हॉर्स रेस में डर्बी में पहले और दूसरे घोड़े में सेकंड के 1,000 में सेरा फर्क होता है. It is about the winning edge. क्योंकि उसने सेकंड के बिना उसके 1,000 में से जीतने के लिए उसने 100% that then a bit of extra was needed, which that will be. You will have to give a bit of extra, then you will feel you will become ordinary to ordinary. पर 100% गेन आ पड़ेगा. सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है. ये 5 साल है सोचने के, समझने के. उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश कर जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं बचेगा. वो चीज बहुत मुश्किल हो जाती है, चीजों को जो है मैनेज करना. हम लोग आई डोंट नो कैसे कर रहे हैं तो, पर बाकी बहुत समस्या हो जाती है. भाई मियाँ अलग है, बीवी अलग है, इधर तो यार खाने की टेंशन हो रखी है कि यार पति ने क्या खाया होगा, बच्चों ने क्या खाया, इधर से बच्चे चिल्लाया, उधर चिल्ला. कौन सा रिसर्च पेपर, कैसा रिसर्च पेपर, बाहर में गया घर में कहा ना बना सो रहा. हाँ, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ. तो मैं कह रहा हूँ ये जो टाइम है आपके पास, गिव 100%, गिव 100% एटलीस्ट फॉर द बैचलर. बाकी तो भाई मैं ये नहीं कहता सबको छोड़ के रिसर्च पे लग जाओ, जो जो मैरिड है उनके लिए मैं ये भी नहीं कहूंगा. देखिए अपनी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है. लाइफ का हर एक मोमेंट, हर एक लाइफ की हर एक सेकंड, हर एक चीज को एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ये समय अगर रिसर्च का वापस नहीं आना तो ये समय मस्ती का भी वापस नहीं आना, पर वो बैलेंस रखना जरूरी है. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू. How to sleep.
रजिस्ट्रेशन लेटर का जीरोक्स कॉपी और आपका आधार कार्ड का जीरोक्स फॉर्म।